तो आप देख रहे हैं वही ज़ेड एमपी न्यूज़ चैनल, और मैं हूँ आपके साथ महक। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में सोमवार को बारिश हुई और दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच गया है, जिससे यहां मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके सहा ने सोमवार रात को कहा कि भोपाल में मानसून ने आज दस्तक दे दी। मानसून अब मध्य प्रदेश के लगभग 80% हिस्सों में पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि चंबल संभाग के साथ साथ राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ग्वालियर और उज्जैन संभाग के कुछ हिस्सों में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है। सहा ने कहा कि सामान्य तौर पर भोपाल में मानसून आगमन की तारीख 20 जून कही जाती है और इसमें भोपाल में तय समय पर मानसून ने दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मानसून ने राज्य के दक्षिणी हिस्से से अपने सामान्य समय से एक दिन पहले 16 जून को प्रवेश किया था और इस दिन बुरहानपुर, खंडवा और बैतूल में अच्छी बारिश हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के नर्मदापुरम, विदिशा और बालाघाट सहित 16 जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8 संभागों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा और शहडोल के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने, गिरने और अल्पकालिक तेज हवा चलने की संभावना है। ये था आपका अपडेट। लगातार छोटे से बड़े अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।